नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बात करते हैं आज की खास खबरों की। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। 30 मार्च तक चलने वाली इस नवरात्रि में 9 दिनों तक मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में ये बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी ने भी बधाई संदेश दिया है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 6.6 रही। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी तेज झटके लगे हैं। इसी बीच भूकंप से पाकिस्तान में 9 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर आ रही है। दिल्ली में बजट को लेकर काफी वाद विवाद हुआ, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में राज्य का नवा बजट पेश किया। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को 78,000 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है। साथ ही वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने उनके स्पीच की शुरुआत में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। भारत में एक तरफ H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोविड के मामलों में भी उछाल आया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,134 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 4,46,98,000 हो गई है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।